हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जेएम। आईपीएल वर्सेस इंडियन क्रिकेट, ये मुद्दा लगातार छिड़ता रहा है और लगातार इस पर बातें होती रहती हैं। ये मुद्दा तब और भी ज्यादा रोचक हो जाता है जब इंडिया वर्ल्ड कप हार जाती है या फिर कोई वर्ल्ड कप ईयर होता है वहां पर, कि क्या जो प्लेयर्स है सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपनी कंट्री पर ना ध्यान देकर। और इसी बीच अब ये दोबारा ये छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी से करीब 1 महीने 15 दिन दूर है WTC फाइनल 7 जून को खेला जाने वाला है ओवल लंदन में। तो उसी को लेकर सुनील गावस्कर, जो कि इंडियन टीम के पूर्व क्रिकेटर और शानदार ओपनर रहे हैं, उन्होंने रोहित शर्मा को सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा को आईपीएल से स्किप कर देना चाहिए और जाके WTC की तैयारियां करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब आईपीएल के कुछ मैचेस बचे हों, एटलीस्ट मुंबई के वहां पर 2 से 3 मैचेस बचे हों, उस टाइम पे करीब करीब 10 से 12 दिन का समय बचा होगा आईपीएल खत्म होने में, तो वहां पर उन्होंने कहा है कि वहां पर रोहित शर्मा को छोड़ देना चाहिए आईपीएल और WTC के तैयारियों में पूरी तरीके से लग जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप वहां प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इंग्लैंड में जाके सीधे आईपीएल के बाद जाते हैं, तो हो सकता है चीजें आपके लिए मुश्किल नजर आएंगी, जो कि हमने पिछले साल देखा था। हालांकि वहां पर बारिश भी बहुत बड़ा फैक्टर था जिससे इंडिया वो मैच लूज कर गई, लेकिन यहाँ पर पहले से ही सारी की सारी कवायद शुरू हो गई है कि कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है। बट बड़ा सवाल है कि क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ेंगे, क्या वो WTC की तैयारियों के लिए इंग्लैंड 10 से 15 दिन पहले जाएंगे या फिर आईपीएल खत्म होने के बाद ही। तो यही सारी की सारी चीजें थी। अब लोगों के बयान स्टेटमेंट्स तो आने लगे हैं, बट क्या उनको सही ढंग से लिया जाएगा, क्या उन पर गौर किया जाएगा, क्या रोहित शर्मा जाएंगे, अलग अलग चीजें वो आप बताइए। क्या रोहित शर्मा को जाना चाहिए आईपीएल से पहले इंग्लैंड या फिर नहीं जाना चाहिए, और अब रोहित शर्मा का मूव क्या होगा उस पर भी देखना होगा। तो तब तक के लिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।